तारक माइन की शुरुआत जी साढ़े बजुर्गों तो शुरू हुई सी। साढ़े फादर साहब उन्हें पांच ब्रदर सी जी, उन्होंने शुरुआत की सी। पहला हल्ट बनाते फिर ट्रालियां बनाया शुरू कीतियां, फिर 1971 च असी सब तो पहली इंडिया की पहली कंबाइन बनाई। लेकिन असी लोगों की आसानी देखते हुए असी यही मॉडल स्ट्रा वाकर टाइप कंबाइन ट्रैक च कन्वर्ट किया। दो हज़ार 2017 च ट्रैक्टर बनाने शुरू किए। ट्रैक्टर भी असी छोटे तो लोग बड़ा ट्रैक्टर बनाते हैं, असी वड्डे तो छोटा बनाने लगे। उस लई असी अपना डीलर नैटवर्क पैदा किया। साढ़े इतने डीलर मौजूद ने, एम पी तो मौजूद ने जो कि एम पी देखते हैं, साडा एक साढ़े महाराष्ट्र तो मौजूद हुए आए हुए हैं डीलर, एक साढ़े हरियाणा तो डीलर आए हुए हैं। तुसी उन्हां तो ही फीडबैक लै सकते हो भी साड़ी कंबाइन उत्थे किवें चलती है, किवें दा रिस्पोंस है। करतार ही क्यों भाई साहब, करतार तो एक ऐसी चीज़ है जो नीचे तक ठहरा बंदे ने ऊपर बैठाता है। जिसने ये ले ली नहीं उसके बच्चे भूखे नहीं मर सकते, उस पर कर्जा नहीं हो सकता, या मेरी गारंटी है, मैं कहूँ यह बात। इसका ट्रैक्टर ले ले, रूटावेटर ले ले भाई, या तो माले मशीन ले ले, बैलर ले ले, मशीन तो चलाने लग रहे हम। 2006 तक लैका, आज 2023 साल 23 लग रही, आज भी मैं मशीन लेना रहा, मेरी दो मशीन भूखा, पांच गेयर में मशीन मैंने ली है। मैं तो पूरी ज़िंदगी लगा दी इसी काम में, उम्र करतार के साथ जुड़ा हुआ। पहले मैंने 93 में खुद मशीन ली थी, 93 मशीन लेके 2006 तक मशीन चलाई है, उसके बाद मैं कंपनी से जुड़ा हूँ लीडरशिप के माध्यम से। मैं 20-25 कंबाइन बेच सकता हूँ, मैं आज 100 कंबाइन बेच रहा हूँ महाराष्ट्र में। किसान भी इससे खुश है, जो गेहूँ अदर फसल्स मक्की वगैरह उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी आती है, अदर कंबाइन से भी बढ़िया क्वालिटी आती है। नॉर्मली दूजे मशीनों नालों दी स्पीड का फर्क है ज़्यादा। अपने दो मॉडल है जी, यह एक तो 4 गेयर स्पीड चा, एक 5 गेयर स्पीड चा। दिन पर दिन सीजन घटता जा रहा है। देखो मेन है भी किसान नू मुख रख के वह सहूलत दी गई है कंबाइन च, जिदे तो संतुष्ट ने। एक 4000 सामने वाली भी है या अलग तो मॉडल जो पेश किया गया? ये सर कंबाइन अपनी 4000 है, जो मॉडल सेम ही है सर, पेज ना मेज हैडर दिखाया हुआ जो असी मक्के लिए बनाया हुआ स्पेशल। 2004 में हमारे डॉक्टर साहब मनजीत सिंह जी और जो दूसरे हरमीत सिंह जी दोनों आए हैं, उन्होंने कंबाइन के अंदर काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी चेंज की है जो हमें किसान भाइयों का विश्वास जीता है। हम कंबाइन में कंपनी की सर्विस से और कंपनी की क्वालिटी से हमारे किसान भाई भी और हम भी काफ़ी खुश हैं। जैसे हमारी कंपनी तो वैसे हमें कंबाइन की जो भी वारंटी होती है, कोई भी पार्ट्स होता है, जैसे मान के चलो ट्रैक्टर है, कंबाइन है, मक्की काटने वाली कंबाइन है, ट्रैक कंबाइन है, सभी कंबाइनों की मतलब जो भी वारंटी कंपनी देती है, एक सीजन की देती है, हम उनके उसके बाद लाइफ टाइम सर्विस फ्री देते हैं कस्टमर को, जितने भी मतलब कि अपने हरियाणा के कस्टमर हैं। करतार कंबाइन में जब भी हमारी एंट्री होती है ना जी, तो हम अपने परिवार जैसा महसूस करते हैं कि जो अपनी इक्विपमेंट करते हैं उसे पूरा करते हैं। मेंटेनेंस से लेकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हर सीजन हमारी दो चार कंबाइनें जाती हैं, तो सर्कल की मानो तो कम से कम 10-12 कंबाइन हर सीजन हमारे सर्कल की जाती हैं। हमने तो सिर्फ एक फोन लगाना, कृष्ण जी मशीन में दिक्कत आ रही, उसी टाइम ही बंदा भेजेंगे और स्पेयर पार्ट भेजेंगे, साथ में रिप्लेसमेंट में करवा देंगे। इस मामले में आप और भी किसी कस्टमर से जिसके पास करतार का प्रोडक्ट है, खासकर वो यहाँ पे आता जाता हो, इनके लिंक में हो, किसी से भी पूछ सकते हो। इनका नेचर वाइज नंबर एक। सत श्री डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो, तुम मैं हाँ गुरदीप सिंह लम्मे। करतार कंबाइन जो कि दुनिया भर के एक वड्डा नाम बन चुका है, करतार कंबाइनस के वलों नवें नवे मॉडल जोड़े कंबाइनस के ट्रैक्टर के लॉन्च किए जा रहे हैं, ताकि किसानों को किसी तरीके कोई भी मुश्किल ना आए। इस जोड़े किसान ने उन्होंने मेंटेनेंस या फिर होर किसी तरह की फैसिलिटीज जीडिया दिखाई जा रही, उस प्रॉब्लम ना आए, इस बारे जो पूरा ख्याल रखा जा रहा। सो इतने डायरेक्टर मनजीत सिंह जी सा इस वे मौजूद ने, पहला उन्होंने गलबात करेंगे कि किस तरीके करतार कंबाइनस की शुरुआत हुई तो किस तरीके किसानों का ख्याल रखा जा रहा। करतार कंबाइनस के उत्ते जोड़ा पूरी दुनिया को भरोसा होया वा, करतार कंबाइनस ने अपनी कंबाइनस पेश की, मशीन पेश की, लोगों का विश्वास जितया, लेकिन करतार कंबाइन शुरुआत किस तरीके हुई थी, पहले इस बारे जानकारी दो। करतार कंबाइन की शुरुआत जी साढ़े बजुर्गों तो शुरू हुई सी।
ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਪੰਜ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ 1971 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਬਾਈਨ ਬਣਾਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਕੰਬਾਈਨ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬੜੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ 15 ਫੁੱਟ ਕਟਰ ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2001 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੱਕੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਮੇਜ਼ ਹੈਡਰ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਭੇਜਤੀਆਂ ਸੀ ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਲਣ ਲਈ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੱਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈਡਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਬਾਈਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਸਲ 'ਚ ਹੀ ਕਟਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈਡਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੱਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈਡਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਵਾਲੀ ਕੰਬਾਈਨ ਬਣਾਈ। ਟਰੈਕ ਵਾਲੀ ਕੰਬਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਲਾਸ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਟਰਾ ਵਾਕਰ ਟਾਈਪ ਕੰਬਾਈਨ ਟਰੈਕ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਟਰੈਕ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2017 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ, ਲੋਕ ਬੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਟੌਰ ਨੇ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੰਬਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਕਸਟਮਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਗਰ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰਤਾਰ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਡੀਲਰ ਨੈਟਵਰਕ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਸਰਵਿਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਕਰਾ ਤਾਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੀਲਰ ਨੈਟਵਰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡੀਲਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, MP ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ MP ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਡੀਲਰ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡੀਲਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਬਾਈਨ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰ? MP ਭੋਪਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੇ ਆਪ? ਅੱਛਾ, ਆਪ ਕਰਤਾਰ ਕੰਬਾਈਨਸ ਕੇ ਸਾਥ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕੈਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਾ ਇਨਕੇ ਸਾਥ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕੰਮ ਉਮਰ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਕੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੁੜਨਾ ਕੈਸੇ ਹੋਇਆ, ਕੈਸੇ ਜੁੜੇ ਥੇ, ਔਰ ਜੋ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਹਾਂ ਪੇ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 93 ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਸ਼ੀਨ ਲੀ ਥੀ, 93 ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ 2006 ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਸੇ ਜੁੜਾ ਹੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਲੇਕਰ ਗਏ ਵਹਾਂ ਪੇ, ਯੂਜ਼ ਕੀ? ਹਾਂ, ਖੁਦ ਚਲਾਈ ਹੈ 93 ਸੇ। ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਡੀਲਰ ਬਣ ਗਏ? ਹਾਂ, 30 ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਸਾਥ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸਾਨੋ ਕਾ ਵਹਾਂ ਪੇ ਫੀਡਬੈਕ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ MP ਮਸ਼ੀਨ ਹਮਾਰੀ ਕਰਤਾਰ ਕੀ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪਾਰਟਸ ਹੈ, ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਰੰਟੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕੰਪਨੀ ਹੈਂਡ ਸੇ, ਕਿਸੀ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਤੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਕਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਸੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਸਭ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੈਸੇ ਸਟਾਕ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਰੱਖਤੇ ਹੋ? ਐਡਵਾਂਸ ਰੱਖਤਾ ਹੂੰ ਪੂਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਵਹਾਂ ਬਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗੇਗਾ ਸਭ ਮਿਲੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਹਾਂ ਪੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਯਾਰ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਆਪ ਕਿਸਾਨੋ ਕੋ ਜੋ ਆਪਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਹਮਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਲੋਕੋਂ ਮੈਂ, ਹਮ ਉਨਕੀ ਬਾਤੋਂ ਪੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋ ਲੋਕ ਹਮਸੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆਗੇ ਬੜਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਗੇ ਬੜ ਰਹੇ ਹੈ ਹਮਾਰਾ, ਔਰ ਹਮ ਵੀ ਆਗੇ ਬੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਕਹਾਂ ਸੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇ ਹੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕਰਤਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸੇ, ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੇ ਸਾਥ 2010 ਸੇ ਜੁੜਾ ਹੂੰ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਕੰਬਾਈਨ ਖਰੀਦੀ ਔਰ ਵਹਾਂ ਸੇ ਕਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਆ, ਜਿਸ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕਿਸਾਨੋ ਕੋ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ, ਮੈਂ MD ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮਿਲਾ,
फिर उन्होंने बोला आप काम स्टार्ट करो। मैं काम स्टार्ट किया, पहले साल में मैंने 10-12 कंबाइन बेची, उसके रिव्यू बहुत अच्छा है, किसानों को भी पसंद आए और जो किसान सबको अच्छा लगा। फिर मैंने अच्छे से काम चालू किया और स्पेयर पार्ट वगैरह मंगा के कंपनी के साथ जुड़कर मैंने काम चालू किया और मेरे को जो उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैंने काम कर लिया। जब तक कि मेरे को लगता था मैं 20-25 कंबाइन बेच सकता हूँ, मैं आज 100 कंबाइन बेच रहा हूँ महाराष्ट्र में। और करतार के साथ में मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है, जो भी कोई पार्ट टूटता है मैं मेरे अपनी शॉप से देता हूँ, मेरे को कंपनी एक साल में भी वो चेंज करवा के देती है। और किसान भी इससे खुश है, जो गेहूँ अदर फसल्स मक्की वगैरह उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी आती है, अदर कंबाइन से भी बढ़िया क्वालिटी आती है। और हमने मेज हेडर भी करतार के यूज किए हैं, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, किसान उससे भी खुश है। की फायदे किसानों को होने वाले ने इस बारे गलबात करेंगे। साढ़े इस वे गगनदीप सिंह चीमा जी मौजूद ने। गगन जी कहते किसानों के लिए जी करतार कंबाइन जी है अगे आ रही है, लगातार मॉडल भी अपडेट किए जा रहे हैं, तो किसानों को इसका की फायदा होने वाला है? पहला तो सारे सत श्री अकाल जी, जी आया नूं तुहाडा। देखो जी नवा मॉडल लॉन्च करन दा ये बेनीफिट आ किसानों, हर बारी चेंजस, क्योंकि अज की घड़ी तुम देखोगे क्योंकि सीजन बहुत घट समय का रह गया, दिन पर दिन टेक्नोलॉजी चेंज होंगी जाती है, इसलिए जेडे अज असी ने मॉडल लॉन्च करे ने एक हाइड्रो प्लस है तो एक 5 गेयर स्पीड मॉडल लॉन्च करे जी। जो हाइड्रो प्लस जो कहने उस की खासियत की है? उस अपने खासियत काफ़ी ज़्यादा है जी। देखो एक तो उस क्लच वगैरह का सिस्टम नहीं है, वह जॉयस्टिक कंट्रोल करता। हाँ जी अच्छी, मान सकते भी जी मशीन लॉन्च की जा रही इस किसानों फायदा होने वाला कि सेविंग्स भी होने वाली ने, जो खर्चे पहला होंगे से इन्ने मेनटेनेंस के वो नहीं हो गए? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल जरूर सही गल है। देखो हूँ अज की घड़ी जो मैं पहले भी दसा सी जो सीजन आ बहुत घट समय का रह गया, तो जिमें हूँ दिन पर दिन असी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वो सब तो पहला यही है भी असी हूँ जिमें किसानों के रूबरूब करते हैं हरेक चीज़, जिमें हूँ 5 गेयर स्पीड असी ने लॉन्च करे हूँ, जिमें बाहर अंदर किसान जाते एक तो यदि पुली वगैरह चेंज कर बिल्कुल जरूरत नहीं पैंती हैगी। होर काफ़ी चीज़ा ने जी, जिमें हूँ अपना जो 5 गेयर स्पीड आ, जिमें साड़ी कंबाइन च काफ़ी ज़्यादा जिमें हूँ स्टील वगैरह असी यूज़ करते हैं वो लग्या होया इस, तो अपना दिखा देने 5 गेयर स्पीड मॉडल है जी जो नव अपने लॉन्च करे। तो ये मेन खासियत यह हैगी है भी एक तो अपन रोड पर जाते हैं बाहर अंदर कितने मशीन लेके जानी है, इसकी पुली वगैरह चेंज करने की लोड़ नहीं हैगी, नॉर्मली जो पुली आप पा के दें तो उ मान के नॉर्मली दूजे मशीनों नाल स्पीड का फर्क है ज़्यादा। तो बाकी एलीवेटर ने, एलीवेटर के हैड तो अंदरों जो भी इन्हों रेलों वगैरह ने वो सारिया स्टील दियां ने, गाइड राम बाडी, गाइड राम पत्तियां, ठीक है जी, तो बारम बाडी होगी। एक आ साडा स्पेंडल देखो जो असी खुद का जन कंपनी का आर एन डी का डिजाइन किया होया, अंदर ही मैनुफैक्चर किया हुआ, ज़्यादातर तुसी नोट करो क्योंकि ज नॉर्मली तुसी आप कंबाइना देखो ज़्यादातर वो पुराना लेके ना उन्होंने तो समार की लाते चेंज करके लाते हैं, साडा खुद का आपका डिजाइन करया हो डिजाइन आ अंदरों कंपनी का। तो मैं की फर्क की पैदा भी अपना डिजाइन किया? इसका फर्क यह है जी, तुम प्रोडक्ट में एक बार देखो उत्थे कैमरा करके, उसकी क्वालिटी देखो, तुम दूसरिया मशीनों भी नोट करके देखो। कंपैटिबिलिटी की गल की जाए तो जो बाकी मशीन गल करते हैं कंपेयर किया जाए अगर उन्होंने तो करतार कंबाइनस कितने लाई करती पी हूँ इस वे? कंबाइन सर मन के चलो अज की घड़ी आल ओवर इंडिया से सारे की जा रही है, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा वधिया रुझान आ किसानों के, तकरीबन तुम देखो साडा रिपीटड कस्टमर आ सारा, तो वो कस्टमर ने साडे नाल जुड़े होने जे उन्होंने भरोसा साडे ते पूरा प्रोडक्ट दे लाइक। होर नंबर दो ये गल हैगी है जेडे मन के चलो इन केस किसी नूं कोई एमरजेंसी है, क्योंकि कंबाइन की रीसेल वैल्यू भी इन्नी ज़्यादा ना तुसी जाने सी जो अज की मार्केट के हिसाब न जो प्रोडक्ट सेल करना होंगे तो उस मार्केट के हिसाब प्राइस हो जाता है। ये 5 गेयर बॉक्स है, ये 5 गेयर स्पीड मॉडल है जी। ये प्राइस की गल की जाए तो कितनी प्राइस में किसानों जी मुहैया करवाई जा रही है इस वे? जो कंपनी का अपना एक्स शोरूम प्राइस है जी वो है जी अपना 24,95,000। बाकी चलो कस्टम वगैरह साढ़े नाल आते डील वगैरह करते बैठते हैं वो, चलो जो नैगोशिएट के बाद प्राइस वगैरह अपडेट होंगे वो बाद ही गल है। ठीक है जी, इस जो मॉडल है इस मॉडल के बारे जानकारी दवो कि यह मॉडल किन्ने गेयर बॉक्स है तो ये की खासियत है?
यही ये तकरीबन जड़े अपने करतार 4000 है तकरीबन दो मॉडल है जी। यह एक तो 4 गेयर स्पीड चा एक 5 गेयर स्पीड चा ज़्यादातर जो जी अपने लॉन्चिंग करी है यह 5 गेयर स्पीड मॉडल है। ये दोनों मॉडल अपने लॉन्च करे ने अच्छे जेडे एक हाइड्रो प्लस हो गया ये दोनों एक 5 गेयर स्पीड ने इन च बस दोनों मॉडलों से दो तीन पॉइंटा का फर्क है जिमें एक ऑयल ब्रेक हो गया डिस्क ब्रेक हो गया जिमें हुण तुसीं ऑयल ब्रेक देख लो ऑयल ब्रेक जिमें हुण रोड ते वगैरह जांदे आ वधिया जाण सी उहदा पूरा वर्कआउट आ कोई दिक्कत परेशानी नहीं हैगी। अच्छा जो कुछ जिहड़े काफ़ी बहुत सिमिलर चीज़ा हैगियां ने बस दो तीन चीज़ों का फर्क बस मन तो जो जाने से रेगूलर मॉडल पहला अपना 4 गेयर स्पीड चलता एक 5 गेयर स्पीड चलता क्यों जवाल बार बार आता हूँ वा हमेशा हरेक के वाल भी कंपनी कोई भी होरोसा करना जरूरी होंगे अगर कोई किसान भरोसा करे करतार कंबाइन के उ तो क्यों करे सर ये सर मेन गल है देखो जोड़ा भरोसा करने वाली तुम गल कह रहे हो तो देखो एक काफ़ी ज़्यादा साढ़े न जो कस्टमर मैं सोनू दस रिपीटड जुड़िया हुआ एक तो उन्होंने यह देखो क्वालिटी क्वालिटी बड़ी मेनटेन करती है उन्होंने पता ज़्यादातर भी असी किमें मटीरियल लाने जिमें मैं सोनू दसिया भी कितने कितने स्टील लगता तकरीबन लोहा काफ़ी ज़्यादा हैवी लगता तो लोन वगैरह की सुविधा तो नंबर 3 तो जिमें हुण साडा फील्ड का कम है सर्विस चल रही है जिमें MP चल रहा गुजरात चल रहा राजस्थान चल रहा और जेडे जो भी स्टेटा ने उत्थे हुण फील्ड की सर्विस दी गड्डियां घूम रही ने तो देखो अही सीजन हुंदा पहला देखो सीजन लंबा काफ़ी हुंदा सीगा हुण सीजन रह गया 10-12 दिन का दिन पर दिन सीजन घटता जा रहा। देखो मेन है भी किसान नूं मुख रख के वह सहूलत दी गई है कंबाइन च जिदे तो संतुष्ट ने ज़्यादा साढ़े नाल किसान भरा जुड़ रहे हैं रिपीटड तो काफ़ी बा ज़्यादा वधिया रुझान है किसानों कबान अपनी कंबाइन के रिलेटड। ये 4000 सामने वाली भी है या अलग तो मॉडल जो पेश किया गया ये सर कंबाइन अपनी 4000 है जो मॉडल सेम ही है सिर्फ इस ना मेज हैडर दिखाया हुआ जो असी मक्के लिए बनाया हुआ स्पैशल ये बस होर बाकी मॉडल सेम है बाकी कला मेज हैडर लिए बस ये दिखाया हुआ भी क्यों मक्की की फसल कट्टन लई ना सिर्फ ये साडा मेज हैडर भी असी अवेलेबल है। जिहड़े हुण करतार दे ट्रैक्टर जिहड़े लॉन्च होए ने कदों लॉन्च होए सीगे ते इन्हां च फैसिलिटीज़ की दित्तियां जा रहियां ने आपां करतार कंपनी विच 2016 तो ट्रैक्टर बनाउणे शुरू कीते सी पहले असीं एक्सपोर्ट कर रहे सीगे उस तों बाद डोमैसटिक दे विच सानूं तकरीबन 1.5 साल हो गया ते आपां पहले 40 तों लैके 50 हॉर्स पावर तक ट्रैक्टर लॉन्च कीते सीगे फिर आपां 60 हॉर्स पावर दे विच करलोसकर इंजन दे नाल 4 सिलेंडर करलोसकर इंजन दे नाल 5936 लॉन्च कीता सी और अज आपां पहले साडा की सीगा मेन जो 50 हॉर्स पावर तक ब्लू कलर ते रैड कलर दोनों मिल रहे सीगे और 5936 दे विच सिर्फ रैड कलर दे विच ट्रैक्टर आ रहा सीगा फार्मर दी काफ़ी डिमांड नूं देखदे आपां 5936 नूं भी अज ब्लू कलर दे विच लॉन्च कीता होया जो भी लॉन्च कीता जी। अच्छा किहड़े किहड़े दस सकदे हो कि किहड़े फैसिलिटीज़ दित्तियां गईयां ने ते इह किहड़ा मॉडल है इह मॉडल दी गल करिए तां अपना करतार 5936 ये 4x4 मॉडल है 60 हॉर्स पावर के आता यदि गल करिए फ्रंट एक्सल है वह भी 4x4 करारो कंपनी का मिल जाता गा उस तो बाद इंजन की गल करिए करलोसकर कंपनी का 4 सिलेंडर इंजन ये मिल जाता गा जो 4160 CC के नाल आ जाता और 232 Nm इस इंजन की टॉर्क मिल जाती है और बैकअप टॉर्क इसके 45% आ जाता गा और उस तो बाद ट्रांसमिशन की गल करिए इस ट्रैक्टर के जो ट्रांसमिशन है वह आप करारो कंपनी की लगा रहे हैं गे जिद 12+12 24 गेयर स्पीड मिल जांदियां ने और PTO की गल करिए PTO 540 और 540 इकनोमी के नाल नाल ग्राउंड स्पीड PTO मिल जाती हैगी जिदे विच तुहाडा अगर ट्रैक्टर फॉरवर्ड चलेगा तो PTO तुहाडी फॉरवर्ड डायरेक्शन दे विच घूमेगी और ट्रैक्टर रिवर्स होगा तो PTO तुहाडी फॉरवर्ड दे विच हो जाती हैगी और ये ट्रैक्टर तुहानू 4 व्हील और 2 व्हील दोनों ही ऑप्शन के अवेलेबल है। हाँ 2 व्हील की गल करिए जिदा तुम वेख रहे हो ये तुहानू फ्रंट एक्सल है जो साडा करतार कंपनी का बनाया हुआ एडजस्टेबल एक्सल बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग दे नाल मिल जाता गा ये फायदा यह हो जाता आप कई बार क्रॉप्स के अकॉर्डिंग सानू ट्रैक विड्थ है जी वध घट करनी पैंदी है तो जिदा तुम देख रहे हो 2 नट लगे है असी इतों इनू एडजस्ट कर सकते हैं फ्रंट एक्सल नू बाकी ट्रैक्टर दोनों सेम ही है और 2 व्हील के अगे देखोगे ठोस बंपर जो 95 किलो का आ जाता मिल जाता गा और 4 व्हील के जैरीकैन वेट मिल जाते हैं। तो इन्हें जी प्राइसिस की गल की जाए तो प्राइसिस की रहने वाली ने इन्हों प्राइसिस जो आप MRP की गल कर लिए मैक्सीमम जो रिटेल प्राइस अपना 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का 11,47,000 है बाकी जो डीलरशिप पर विजिट कर देंगे तो मौके की स्कीम मौके पर स्कीमां बहुत आदियाँ रहनिया ने जिदा फायदा किसान मौके पर जाके उतों लै सकते हैं। ठीक है सर आप कहाँ के डीलर है? सर मैं करनाल से हूँ ये पूरा हरियाणा हम देख रहे हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट में अपना ऑफिस है एजेंसी है जो कृष्णा कंबाइन इंडस्ट्रीज के नाम से है कृष्ण कुमार मेरा नाम है। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने डेली पोस्ट चैनल का।
धन्यवाद सर। आप करतार कंबाइंस के साथ जुड़े हैं, सबसे पहले बताइए कि कब आप करतार कंबाइंस के साथ जुड़े थे और करतार कंबाइंस के साथ जुड़ने के बाद आपको कैसा फीडबैक मिला किसानों से? सर मैं करतार कंबाइन के साथ 1997 में मैं कंबाइन के साथ इनके साथ जुड़ा था, करतार एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ 1997 में फर्स्ट टाइम। उसके बाद हमने कंबाइनों का सेल का काम शुरू किया। 2004 में हमारे डायरेक्टर साहब मनजीत सिंह जी और जो दूसरे हरमीत सिंह जी दोनों आए हैं, उन्होंने कंबाइन के अंदर काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी चेंज की है जो हमने किसान भाइयों का विश्वास जीता है। हम कंबाइन में कंपनी की सर्विस से और कंपनी की क्वालिटी से हमारे किसान भाई भी और हम भी काफ़ी खुश हैं। किसानों के लिए आप और क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो अगर डील कर रहे हैं? डील करने के बाद कई बार क्या होता है, डीलर किसानों की बात नहीं सुनते हैं, कभी ऐसा तो नहीं है कि किसान ना खुश हो गए हों? और अगर डील किया जा रहा है तो कैसे किया जा रहा है? जैसे हमारी कंपनी तो वैसे हमें कंबाइन की जो भी वारंटी होती है, कोई भी पार्ट्स होता है, जैसे मान के चलो ट्रैक्टर है, कंबाइन है, मक्की काटने वाली कंबाइन है, ट्रैक कंबाइन है, सभी कंबाइनों की मतलब जो भी वारंटी कंपनी देती है, एक सीजन की देती है, हम उनके उसके बाद लाइफ टाइम सर्विस फ्री देते हैं कस्टमर को। जितने भी मतलब कि अपने हरियाणा के कस्टमर हैं, किसान भाई हैं जो हमारा प्रोडक्ट ले रहे हैं, चाहे उसके अंदर रोटावेटर है, चाहे कंबाइन ले रहे हैं, चाहे ट्रैक्टर ले रहे हैं, लाइफ टाइम सर्विस फ्री हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करा रहे हैं। सो करतार कंबाइन के जो हरियाणा के कस्टमर भी साढ़े इस वे जुड़े गलबात करते हैं। सर हरियाणा तो तुम आए हो, अज इतने करतार कंबाइन से पहुंचे हो, किदा महसूस हो रहा, तो करतार कंबाइन उत्ते विश्वास किदा है? सबसे पहले जी आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं। करतार कंबाइन में जब भी हमारी एंट्री होती है ना जी, तो हम अपने परिवार जैसा महसूस करते हैं, क्योंकि करतार वाले ने कभी भी हमें महसूस ही नहीं होने दिया कस्टमर भी हम कस्टमर हैं और वो कंपनी वाले हैं, कि जो अपनी इक्विपमेंट करते हैं उसे पूरा करते हैं और समय समय पर अपनी मशीनों में चेंज करते रहते हैं। हम दूसरी कंपनियों से भी मशीनें खरीदी हैं हमने, पर नाम तो हम नहीं लेना चाहेंगे, पर वो एक बार मशीन बेच के दोबारा कस्टमर के साथ ऐसी बात नहीं करते। इन्होंने जो कह दिया ना, अगर 4 साल बाद भी बोलेंगे ना, 4 साल बाद जो बोल रखे ना उसको अपना पूरा करते हैं। मेंटेनेंस से लेके कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये हमारे डीलर जी हैं कृष्ण जी करनाल से, सबसे पहले यही नियम है कोई भी किसी प्रकार का, सारी हमारी जो मांगे हैं पूरी कर देते हैं। ठीक है, तुसी फर्स्ट टाइम इतने आए हो या पहले से जुड़े हो? तो भाई सब 2011 से यहाँ जुड़े हुए हैं, 2010-11 से जुड़े हैं। हर सीजन हमारी दो चार कंबाइने जाते हैं, तो सर्कल की मानो तो कम से कम 10-12 कंबाइन हर सीजन हमारे सर्कल की जाती हैं, तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है इनका। और इस तरह तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई कभी करतार को? बिल्कुल भी नहीं। करतार एक मार्का ही ऐसी चीज़ है, मतलब बल्ले बल्ले कर देती है। जब फील्ड में मशीन उतरती है ना, खासकर चोने में जो करतार मशीन का रिजल्ट है वो किसी भी मशीन का नहीं है, इसके सामने जीरो है बिल्कुल। वैसे तो सभी अपनी मशीन की तारीफ करते हैं, ये है वो है, लेकिन जो चोने में इस मशीन का रिजल्ट है, कोई भी मशीन इसके आगे फेल है, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो, कितनी ही ज़्यादा रीसेल की मशीन हो, नाम तो लेना ठीक नहीं है। दूसरी बात, जो करतार के जो ये मालिक हैं, हम तो मनजीत को रैपी को जानते हैं, मनजीत जी हैं नेचर वाइज नंबर एक आदमी, बिल्कुल कोई मेंटेनेंस में, कोई रिप्लेसमेंट में, किसी भी चीज़ में, कोई भी किसी भी समय कोई समस्या आ गई उसी टाइम हल होएगी। ये नहीं है इनको फ़ोन लगाते टाइम ये देखना पड़ेगा यार सुबह 8 बजे हैं, 7 बजे हैं, या रात को लेट हो गया, अभी फ़ोन करें ना करें, चाहे आप 12 बजे फ़ोन करो उसी टाइम फ़ोन रिसीव करेंगे। मैंने तो कई बार ऐसा मतलब करके देखा है, चाहे रात को 11 बजे 12 बजे जब भी फ़ोन करूँगा तभी मालिक फ़ोन, नहीं तो मालिक के पास तो एंट्री करना भी मुश्किल हो जाता है, उसी टाइम फ़ोन रिसीव करेंगे और समस्या का हल होएगा। मेरी ना अभी पिछले वीक ही मेरी मशीन MP गई हुई है, कोई समस्या हो गई थी, ब्रेकडाउन आ गई थी, रात को अर्जेंट सामान चाहिए था, तो मैंने मनजीत जी से संपर्क किया, उन्होंने नंबर व्हाट्सअप किया, भाई भोपाल में हमारे डीलर बैठे हैं चौक से जी, उनको संपर्क करो और तुरंत उसी टाइम बंदा भेज के वहाँ से सामान रिप्लेसमेंट, कोई बिल्कुल कोई एक पैसे की भी पेमेंट लेनी नहीं देनी नहीं। और यही हमारे जो ये करतार के डीलर हैं कृष्ण जी, इनके नेचर है, जो भी मशीन में कोई ब्रेकडाउन आई, रिप्लेसमेंट आई, चाहे मशीन 2 साल पुरानी हो, 4 साल पुरानी हो,
हमने तो सिर्फ एक फोन लगाना, कृष्ण जी मशीन में दिक्कत आ रही, उसी टाइम ही बंदा भेजेंगे और स्पेयर पार्ट भेजेंगे, साथ में रिप्लेसमेंट में करवा देंगे। इंडस्ट्री में 10 चो नंबर देने कितने दोगे? 10 में से 10, ज्यादा हो सके तो ज्यादा भी, 10 में से 12 नंबर देंगे हम, 10 में से 10 थोड़ी देंगे जी। कमाल है इस मामले में, ये कोई मतलब ऐसा ना है भाई करतार में खड़े हैं तो इसीलिए इनकी तारीफ कर रहे। इस मामले में आप और भी किसी कस्टमर से जिसके पास करतार का प्रोडक्ट है, खासकर वो यहाँ पे आता जाता हो, इनके लिंक में हो, किसी से भी पूछ सकते हो। इनका नेचर वाइज नंबर एक है। कोई भी रिप्लेसमेंट हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। नहीं तो और मशीनों में क्या होता है, एक बार मशीन बेचने के बाद दोबारा कस्टमर का और कंपनी वाले का नाता खत्म बिल्कुल। कोई एक नट बोल्ट भी चेंज करना है वो भी चेंज नहीं होएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद अपने जीवन में ये बात कई बार आजमाई है, चाहे वो गेयर का सामान रिप्लेसमेंट की हो, चाहे कुछ भी की हो, एक संदेश पे ही, चाहे मेरी मशीन बाहर हो, MP हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कहीं भी हो, वहीं अपने डीलर को मैसेज देंगे इनका ये सामान चेंज कर दो, चेंज हो जाएगा बिल्कुल। सर्विस में नंबर एक है। तुसी भी फर्स्ट टाइम आए हो कि पुराने कस्टमर हो इन्हां दे? भाई साहब मैं बहुत पुराना कस्टमर हूँ। इन्ना इस दे नाल जुड़े हुए हो, इन्ना विश्वास किवें करतार कमाइंस दे उत्ते? भाई साहब मैं 2005 में मशीन लेना आया था, तो उस टाइम कहने लगे भी मैं मशीन नहीं दे सकते। फिर 2006 में मैं 3 मशीन लेकर गए थे, उसके बाद 7 में ले गए, 8 में 3 मशीन फिर ले गए, मतलब आज तक मैंने 27-28 मशीन ही नहीं पता है लेकर अपनी चला चुका हूँ। 27-28 मशीन सिर्फ एक ही कंपनी दी? हाँ, एक कंपनी की। कहते और कंपनी पर कर नहीं गए? और कंपनी की मशीन ले ही, पर नई मशीन करतार की ली। करतार में करतार ही क्यों भाई साहब? करतार तो एक ऐसी चीज है जो नीचे तक ठाका बंदे ने ऊपर बैठा दिया। जिसने ये ले ली नहीं उसके बच्चे भूखे नहीं मर सकते, उस पर कर्जा नहीं हो सकता, वो किथे भी घाटे में नहीं जा सकता। या मेरी गारंटी है, मैं कहूँ या बात कोई कहो या ना कहो, पर हम कैमरे उससे का दूसरा नाम करता रहा है। इसका ट्रैक्टर ले ले, रूटावेटर ले ले भाई, या तो मान ले मशीन ले ले, बैलर ले ले, मशीन तो चलाने लग रहे हम। 2006 तलाक आज 2023 लग रही, आज भी मैं मशीन लेना रहा, मेरी 2 मशीन बुक है, 5 गेयर में मशीन मैंने ली है, आज डिलीवरी है मेरी मशीन की। विश्वास बनाया मैंने, एक चीज और भी है, ये कश्मीर में जब तक चलाऊंगा करतार चलाऊंगा, नहीं तो नहीं चलाऊंगा, ये भी इसकी कहावत, ये इसका नारा है। जब तक चलाएंगे नहीं हम करतार का ही प्रोडक्ट चलाएंगे, नहीं तो हम चलाएंगे नहीं। मेंटेनेंस जगह करे, मेंटेनेंस दे बेच के दे, वो कमी तो नहीं आई इसकी? बंदे के दिल में प्यार होना चाहिए, गारंटी कहाँ होती है? यहाँ होती है दिल में। जब माल थोक का बना रखे हो, उस पर पैसा लगा रखे हो कंपनी ने, इस कंपनी की ग्रोथ होने हमने देखी है। मैंने यहाँ 15-15 दिन लगाए हैं भाई साहब, इसमें पीछे 916 के टायर जो पिछले डले हैं, सबसे पहले 2006 में डलवाए थे जी हमने, 2006 में सबसे पहले मैंने डलवाए थे अपनी गाड़ी में। कंपनी डालते हुए डरे थी, हमने कहा था भी डालो, हम बैठे, क्योंकि हमने फील्ड में रहना है, फील्ड की जो भी रिपोर्ट होगी वो हम देंगे आपको। और फील्ड में ऐसा रिस्पॉन्स मिला कंपनी का भी हमने, हमारे को कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं पड़ी। अगर एक नट की भी जरूरत थी तो 2 नट हमारे पास पहुँचे हैं, बैरिंग की क्वालिटी, स्टील की चादर, और इव तो SSC की मशीनें लग रही हैं, कटाई भी मशीन CNC की, उनसे कटाई भी इतनी बढ़िया फर्स्ट क्लास, कोई वेल्डिंग का झंझट नहीं। खरीदियाँ जा रही हैं, कितनी मशीन खरीद ली हूँ तक? आपा भीर जी 15 कर लिए। 15 मशीन खरीद ली, कि मशीन खरीदी ने? आपने भीर जी 5 स्पीड गेयर नाल खरीदिया ने, 4 स्पीड गेयर नाल खरीदिया ने। भरोसा किवें कामयाब होया इतने करतार कंबाइन उत्ते? कंपनीज होर भी बथेरिया होंदिया ने, करतार ही क्यों? करतार बई जी सब तो बेस्ट है जी, एक चलाई दी बहुत वधिया, आपने पहले चलाई है जी, चला के रिपेयर करके फिर विश्वास होंगे बई जी। कद रिपेयरिंग की ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आई? कद जी सर्विस बहुत वधिया जी, मौके से जी सर्विस करके दी, सारिया कंपनियों तो वधिया जी सर्विस। इस तो पहला कोई होर कंपनीज़ के कदे हाथ पा रहा हो हाँ भी कद मशीन खरीद की कोशिश की हो करतार कंबाइन आए हो फिर उस तो बाद? वाधू चलाइया ने जी, सारिया कंपनियों चलाइया ने, सानू करतार ही बेस्ट लगे। करतार बेस्ट, इन्ने साल तो पुराने जुड़े हुए हो करतार कंबाइन के नाल, इन्ना विश्वास क्यों करतार के उत्ते? देखो जी मैं पहला बहुत मशीन होर भी चलाईया ने, मैं 2010 फस्ट मशीन लेती करतार जी, उस तो बाद विश्वास बने
कारण मशीन की रिपेयर नहीं जी, क्वालिटी बहुत आ। आप जो बढ़ाई हम देखिए बढ़ाई की सफाई थलों नीचे जिम्मे डिगी फसल बढ़नी होने तो नीचे इन्नी सफाई है भी बिल्कुल नुकसान नहीं करती जी। नहीं कहते भी कंपनीज अजिंह भी होंगे ने मशीन बेच दें ने उस तो बाद केयर नहीं की जाती किसान की पहुँचते नहीं जो कभी ऐसा तो नहीं होया कभी नहीं जी। तुम गल कह भी इन तुम जुड़े हो करतार के कारण कारण यही है जी करतार के कैसी क्वालिटी है। देखो मशीन अपने नाभे होर भी बहुत बन दें सारे मशीन चलन सब वधिया ने पर जो करतार की क्वालिटी आ एक तो मटीरियल सब नो वधिया लगता जी तो दूजे आप रीसेल तो ये रीसेल भी ज़्यादा तो तुम पूछे भी बाद चो कंपनी पुछती है कि नहीं जी करतार एक ऐसी कंपनी है जी 2010 तो जुड़े जी मैं तकरीबन हर स्टेट के 8-9 स्टेटा मशीन चलाई है जिमें महाराष्ट्र गुजरात MP छत्तीसगढ़ तो UP जी करतार की के सिफत है कंपनी की भी सर्विस बहुत है इन्हों की फील्ड सर्विस जी। आप इंडिया किसी भी कोने हाँ कोई भी आपको जो प्रॉब्लम आँदी है फील्ड के फोन करो जरे पहुँचते हैं जी। अच्छा कहते भी मेनटेनेंस के बहुत प्रॉब्लम कई बार आँदी है ज पैसे बहुत लगते हैं कहते पैसे वाले दिन लेकिन सेविंग्स हो जाती है किसानों की जी थोड़ी सेविंग हो जाती है किसान की प्रॉब्लम तो नहीं आँदी है इस वे मेनटेनेंस में लेकर मैं सूँ पहले भी दस के हटिया जी भी करतार के मटीरियल की क्वालिटी इन्नी है जी रिपेयर ज़्यादा खर्चा नहीं आता है जी मेनटेनेंस बहुत घट है जी। खुश हो इस भी हाँ बहुत ज़्यादा खुश है जी करतार तो जी 10-12 दिन साल तो जुड़े हुए जी अज तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं जी किसी तरह की भी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये पुराने गाहक ने जिन्हों गाहकों जुड़िया हुआ कई साल हो चुके हैं तो इस दिन कई मशीन्स भी इन्हों के वालों परचेज की जा चुकिया ने तो इन्ह विश्वास में जुड़िया कि जदों की करतार कंबाइनस की शुरुआत हुई है उदों तो ही किसानों जी वधिया मशीन्स मुहैया करवाई जा रही ने अपग्रेड किया जा रहा है ना कि जोड़े किसान ने उन्होंने मेनटेनेंस के भी कोई दिक्कत ना आ सके तो इस जो भी अपग्रेड करके सिस्टम दिता जाता है मशीन दिती जाती है तो उस किसानों कोई भी दिक्कत जो सामना ना करना पवे। सो वधेरी अपडेट से जुड़ो डेली पोस्ट पंजाबी कैमरा परसन अमित खन्ना के नागदीप सिंह लम्मे।